हम सो गए थे। हिंदी बात कर रहे हैं, पूरा बुक दिखा देंगे, पूरा बुक दिखा देंगे अभी। हम जो है अपना सीट छोड़ के विकलांग कोटा में बैठे हुए। पैसेंजर ट्रेन में यही दिक्कत होती है। और भैया कैसे हो? सब कुशल मंगल? तो यहाँ पे भी सब कुशल मंगल ही है। तो भैया इससे पहले आपने कई सारे चेहरे देखे होंगे रेल सफ़र में, देखे कि नहीं? तो आज से एक नया चेहरा देखिएगा, मेरा हमारा। तो आज हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 13032 जयनगर से हावड़ा के बीच चलने वाली एक मेल एक्सप्रेस में। तो भैया बात करें इस ट्रेन की, तो ये ट्रेन आपको रोज़ाना जयनगर से हावड़ा और हावड़ा से जयनगर के बीच चलती है। डेली बेसिस पे एक ट्रेन है और हम लोग बोर्ड करने वाले हैं नाजिरगंज रेलवे स्टेशन से, जो कि समस्तीपुर ज़िला का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। यहीं से हम लोग बोर्ड करने वाले हैं। और इस ट्रेन में आपको जो है ओनली जनरल कोचेज देखने को मिलेंगी, ना स्लीपर क्लासेज है ना एसी कोचेज है, और पेंट्री कार की भी सुविधा नहीं दी गई है। तो खाने पीने की व्यवस्था आपको खुद करनी होगी। तो हमने कुछ कुछ रख लिया है खाने पीने के लिए। और हमारी यात्रा जो है हावड़ा तक होने वाली है, जो कि 600 किलोमीटर की जर्नी है। और यही 600 किलोमीटर जो है आपको ये ट्रेन 22 से 23 घंटे में ले जाएगी। और कोई दूसरी ट्रेन से अगर आप जाइएगा ना, तो वही ट्रेन आपको 12 से 13 घंटे में पहुंचा देगी। तो वैसे तो ये मेल एक्सप्रेस है, पर इसको धुरियान पैसेंजर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये जयनगर से जो खुलती है ना, तो छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकते हुए चलती है। तो इसीलिए हम लोग इसको धुरियान पैसेंजर के नाम से जानते हैं। तो अभी ट्रेन थोड़ी लेट हो गई है, मतलब मानिए ना 10-15 मिनट लेट हो गई है। यहाँ पे इसके आने का टाइम है 12:04 पे, पर अभी तक ट्रेन नहीं आई है। इंतज़ार में है और टिकट उकट ले लिए हैं, टिकट ऑनलाइन ही कटा लिए थे 2-3 दिन पहले, तो कंफर्म नहीं हुआ था। पर आज मैसेज आ गया जो कंफर्म हो गया है, D1 कोच में 13 नंबर हमारा सीट है, तो वहीं पे अभी चढ़ने वाले हैं। बस ट्रेन आ जाए फिर चढ़ेंगे और फिर आगे की यात्रा करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सुप्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? तो भैया रात में तो हम सो गए थे, फिलहाल अभी उठे हैं और हमने अभी तक जो है 100 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट कर ली है। और अभी जो है नेक्स्ट स्टेशन हमारा जमालपुर आने वाला है। और यहाँ से जो सूर्य की किरणें चेहरे पे पड़ रही है ना, गजब सी, मतलब एक खिलखिलाहट दिख रही है, मतलब आप देखिए। और भैया अगर बात करें इस ट्रेन के टिकट की, तो मुझे जो है जहाँ से हम चढ़े थे वहाँ से मुझे 200 रुपये पड़ गया था, और वो हमने ऑनलाइन ही बुकिंग कराया था। आपको काउंटर पे भी टिकट मिल जाएगा। अब काउंटर पे पता नहीं कितना उसका प्राइस है, पर मुझे जो है वहाँ पे 200 रुपये पड़े थे। कंफर्म टिकट नहीं हुआ था, लेकिन 2-3 घंटे पहले मेरे को मैसेज आ गया था जहाँ आपका टिकट कन्फर्म हो चुका है। लेकिन हम जो है जो सीट थी हमारी D1 क्लास में, D1 कोच में, वो वहाँ पर नहीं गए क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो हम जो है यहाँ पे ये एक विकलांग कोटा है उसी में बैठे हुए हैं, पूरा सीट खाली है, तो उसी में भी पूरा सफ़र करेंगे। हो सकता है तो आगे कहीं अपने कोच में चले जाएं, फिलहाल तो अभी वहीं बैठे हैं और जमालपुरी की ओर हम पहुँचने वाले हैं। और
काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको इस जर्नी में, और लगातार आपको ऐसी जर्नी देखने को मिलेगी, क्योंकि अब हम सोच लिए हैं जब हमको किस टाइप का ब्लॉग बनाना है ट्रेन से रिलेटेड, क्योंकि ट्रेन के बारे में बहुत जानकारी है और ट्रेन से बचपन में जो है हम सोचा करते थे, जो ट्रेन में बहुत घूमे, तो आज वो सपना पूरा हो रहा है और हम ट्रेन की जर्नी कंटिन्यू करने वाले हैं। और क्या बताएं, बस यही सब चल रहा है। वीडियो देखिए, इंजॉय करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। अभी तक वॉच टाइम मेरा पूरा नहीं हुआ, सब्सक्राइबर पूरे हुए पर वॉच टाइम नहीं हुआ है, पर कोशिश कर रहे हैं जो हो जाए। बस यही सब चल रहा है ज़िंदगी में। तो भैया अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है जमालपुर जंक्शन, जो कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का एक प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है, और इस स्टेशन का कोड है GMP, जो कि मालदा डिवीजन में पड़ता है। यहां रोजाना 49 ट्रेन आके रुकती है, मतलब 49 ट्रेनों का यहां पे स्टॉपेज दिया गया है, और इस स्टेशन से रोजाना 18 ट्रेन बन के चलती है और 18 ट्रेन यहां पे ख़त्म होती है, और टोटल 4 प्लेटफॉर्म यहां पे दिए गए हैं। और इस स्टेशन को खोला गया था 1862 ईस्वी में, और यहाँ से जो है आप खगड़िया, बेगूसराय, सुल्तानगंज, भागलपुर के लिए ट्रेनें बदल सकती हैं। इस गाड़ी का स्टॉपेज यहाँ पे मात्र 5 मिनट का है, बस 5 मिनट के लिए यहाँ पे ये रुकेगी। तो ये थी कुछ प्लेटफॉर्म की जानकारी, अब है अपनी बारी, तो मिलते हैं आपसे अगले रेलवे स्टेशन पे। तो भैया अभी अपनी ट्रेन सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रही है, जिसका स्टेशन कोड है SGG, जो कि भागलपुर का एक प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है। प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि सावन के महीने में यहाँ दूर दूर से भक्तजन आते हैं बाबा का कांवर लेके, और सुल्तानगंज में गंगा स्नान करते हैं और पवित्र गंगा जल कांवर में भर कर बाबा की नगरी बाबा धाम की ओर 100 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं, इसीलिए सुल्तानगंज काफ़ी फेमस है। यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे रोजाना 58 ट्रेनों का हॉल्टिंग है, 58 ट्रेन यहाँ पे आके रुकती है, और यहाँ से मात्र 1 ट्रेन बन के चलती है और 1 ट्रेन यहाँ पे आके ख़त्म होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट था, और अगला स्टेशन हम पहुँचने वाले हैं भागलपुर जंक्शन। यह है भैया भागलपुर जंक्शन, जो कि बिहार का तीसरा सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या के हिसाब से, जिसे हम लोग सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं। इस स्टेशन का कोड है BGP, जो कि मालदा डिवीज़न के अंतर्गत आता है, क्योंकि इधर जितने भी स्टेशन हैं सब मालदा डिवीज़न के अंतर्गत आते हैं। इस स्टेशन पर रोजाना 2 लाख से ज़्यादा पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। यहाँ पर टोटल 6 प्लेटफॉर्म है, और यहाँ रोजाना 46 ट्रेनों का हॉल्टिंग है, 46 ट्रेन यहाँ पर आके रुकती हैं, और यहाँ से रोज़ 22 ट्रेन बन के चलती है और 22 ट्रेन यहाँ पे आके ख़त्म होती है। इस ट्रेन का यहाँ पे जो है मात्र 10 मिनट का हॉल्ट है। सामने जो आप स्टेशन देख रहे हैं, ये बिहार का लास्ट बॉर्डर है। अगला जो स्टेशन आएगा वो झारखंड में पड़ेगा। इस स्टेशन का नाम है अम्मपल्ली हाट। झारखंड बॉर्डर में आ चुके हैं। ये झारखंड का पहला स्टेशन है मिर्जा चौकी, और मेन अगला स्टेशन जो होगा वो साहिबगंज होगा। और यहाँ तक हमने जो है 231 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट कर ली है, और अभी भी जो है आइए ना तो 300-350 किलोमीटर बचा हुआ है। तो भैया हम पहुंच चुके हैं साहिबगंज रेलवे स्टेशन, जो कि झारखंड का एक रेलवे स्टेशन है, जिसका स्टेशन कोड है SBJ, जो कि मालदा डिवीज़न के अंतर्गत आता है और ईस्टर्न जोन, मतलब पूर्वी रेलवे जोन के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन आता है। और यहाँ पे मात्र 3 प्लेटफॉर्म है, और इस ट्रेन का जो है मात्र 5 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन 5 मिनट से लग रहा है ज़्यादा हो गया है, काफ़ी देर से बैठे हैं पर ट्रेन खुल नहीं रहा है।
इंतजार में है कब खुले और हम जो है अपना सीट छोड़ के विकलांग कोटा में बैठे हुए, क्योंकि अपना सीट पे जो है ना कोई बैठ गया है, तो उठाना सही बात नहीं है ना, तो यही दिक्कत है हमारे साथ। विकलांग कोटा में बैठे हैं आराम से, सीट उठ खाली है पूरा, और उसमें जो है ना भीड़ बहुत है, और उधर फिर उठ के फिर गेट पे आएंगे फिर सीट पे जाएंगे, तो सही बात नहीं। इसीलिए अपना विकलांग कोटा में है, अपना कोई दिक्कत नहीं होगा, जब मर्जी अपना सीट पे जाओ, जब मर्जी अपना, तो यही चल रहा है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं अगले कौन से स्टेशन आने वाला है। फिलहाल तो अभी यही साहिबगंज पे हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल हावड़ा हमको जो है रात 9 बजे पहुंचाएगी, अभी तक हमने एक भी खाना भी नहीं खाया है, कुछ भी, बस एक नारियल का टुकड़ा खाया था, 10 रुपए का लिया था, बस वही यही सब चल रहा है, जैसा जैसा वो हमने आपको बताया। अभी आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इतनी देर से अपनी ट्रेन लगी थी, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोको पायलट चेंज हुआ है। पहले जो लोको पायलट थे इसमें, उनका शायद टाइम खत्म हो गया था, तो यहाँ पे दूसरे लोको पायलट आए हैं, दोनों लोको पायलट चेंज हुए हैं, इसीलिए इतनी देर से जो है अपनी ट्रेन लगी हुई थी। दोपहर के बज रहे हैं 12 और अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है 3 पहाड़ जंक्शन, जो कि 50 मिनट डिले चल रही है अपनी ट्रेन, 50 मिनट लेट हो चुकी है। 3 पहाड़ जंक्शन इसको इसलिए बोला जाता है कि यहाँ, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है राजमहल की तरफ जाती है, इसीलिए इसको 3 पहाड़ जंक्शन बोला जाता है। इस ट्रेन का मात्र यहाँ पे 1 मिनट का हॉल्ट है, बस कुछ ही देर में ये ट्रेन खुल जाएगी। तो भैया इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है ना, तो काफी दिक्कत होती है खाने पीने के लिए, तो अगर आप इस ट्रेन से अगर सफर करिएगा ना, खाने पीने की व्यवस्था साथ लेके चलिएगा, नहीं तो काफी दिक्कतें होने वाली है। पैसेंजर ट्रेन में यही दिक्कत होती है, मतलब है तो एक्सप्रेस ट्रेन, लेकिन इसको पैसेंजर की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि तो छोटे बड़े स्टेशन पर रोका जाता है, तो पैसेंजर ही ना हुआ। तो देखते हैं कब तक ये अगला स्टेशन पहुंचाती है। आधा घंटा हो गया है, आधा घंटा प्लस होने जा रहा है, और यहीं पर बैठे हैं, गर्मी लग रहा है, हालत ख़राब हो गई है, ऊपर से खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, वो बहुत दिक्कत होता है इस ट्रेन में। तो भैया अपनी ट्रेन आ चुकी है रामपुर हाट, जिसका स्टेशन कोड है RTH, जो कि NSG 3 कैटेगरी का ही रेलवे स्टेशन है। यहाँ से आप जो है माँ तारापीठ मंदिर के लिए भी जा सकते हैं, मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर माँ तारापीठ मंदिर है, और यहाँ पे रोज़ाना 86 ट्रेनों का हॉल्ट है, और मतलब 86 ट्रेनें यहाँ पे रोज़ाना रुकती है, और 20 ट्रेन जो है यहाँ से बन के चलती है। इस ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है, 5 मिनट के बाद ये ट्रेन खुल जाएगी। अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है बर्धमान जंक्शन, जो कि वेस्ट बंगाल का तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। यहाँ पे इसका जो है 10 मिनट का हॉल्ट है, और इसके बाद ये बंदेल होते हुए हावड़ा जंक्शन हमको पहुंचाएगी, और इस स्टेशन का कोड है BWN, बर्धमान जंक्शन। जंक्शन यहाँ इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से जो है मतलब 5-6 लाइन यहाँ से निकलती है और अलग अलग तरफ की ओर जाती है, और 10 मिनट का हॉल्ट है, 10 मिनट यहाँ पे ये ट्रेन रुकेगी, और बिल्कुल राइट टाइम ट्रेन आई है। मतलब वही सोचिए ना, जो 10 या 15 मिनट थोड़ा लेट होगा ट्रेन, और देखिए सिग्नल हो गया ट्रेन का, अपनी ट्रेन सिग्नल दे चुकी है यहाँ पे
बस हम भी अब चढ़ जाएंगे, तो वर्धमान से तो खुल गई और अब बंदेल जंक्शन है एक, वहाँ पे रुकेगी, बीच में कहीं भी नहीं, मतलब जयनगर से जो चलती है तो वर्धमान तक मानिए एक तरह से ये लोकल ही है, और वर्धमान से जब खुलती है तो इसको एक्सप्रेस बना दिया जाता है, तो अब से ये जो है एक्सप्रेस बन के चलेगी। और माँ अभी जो है हमने कवर कर लिया है 492 किलोमीटर अपने लोकल स्टेशन से जहाँ से हम चढ़े थे यहाँ तक, और अभी भी जो है 105 या 106 किलोमीटर की जर्नी बची हुई है, तो बस इतनी जर्नी है और बस हम महापड़ा पहुँचने ही वाले हैं। तो भैया अपनी ट्रेन आ चुकी है फिलहाल बैंडल जंक्शन पे, जिसका स्टेशन कोड है BDC। यहाँ पे जो है मात्र 5 मिनट का इसका हॉल्ट है, और ये स्टेशन जो है 7 प्लेटफॉर्म है स्टेशन पे, और इसे ओपन किया गया था 1854 ईस्वी में और इलेक्ट्रीफाइड किया गया था 1958 ईस्वी में। और यहाँ पे रोज़ाना 97 ट्रेन जो है हॉल्ट करती है, यहाँ के रुकती है, और यहाँ से जो है 60 ट्रेन जो है यहाँ से चलती है। फिलहाल देखिए अपने स्टेशन ट्रेन ने हॉर्न भी दे दिया है, मतलब 5 मिनट का हॉल्ट बताया है, लेकिन ट्रेन जो है 5 मिनट रुकती नहीं है, मान के चलिए ना 1 से 2 मिनट रुकती है, वही बहुत है पता नहीं, और एकदम राइट टाइम है, बस जो है 5 से 7 मिनट जो ट्रेन लेट होगी बस। अब यहाँ बैंडल से खुली है, इसके बाद चंदन नगर और 2-3 स्टेशन और है, उसके बाद फिर हावड़ा ही ले जाएंगे हम। तो भैया अपनी ट्रेन रेडी हो चुकी है हावड़ा जंक्शन पहुँचने के लिए, बस यहाँ पे सिग्नल नहीं हुआ था ना, इसके चलते ट्रेन को रोका गया है, और इधर देख सकते हैं काफ़ी सारी ट्रेनें लगी हुई हैं अपना मंजिल की ओर जाने के लिए, और हमारी ट्रेन हावड़ा जंक्शन जाने के लिए। बस कुछ ही क्षण में हावड़ा स्टेशन पहुंचेंगे, फिर आगे की व्यवस्था देखते हैं कैसे क्या की जाए। आज से पहले हम यहाँ पे इतना सारा ट्रेन नहीं देखे थे, दुनिया में नहीं देखे ट्रेन, हम तो दुनिया घूमे ही नहीं, पहली बार दुनिया घूमने निकले हैं, तो ट्रेन बहुत चीज़ देखना है अभी हम। ट्रेन देखे तो थोड़ा अलबला आ गए, चला इतना ट्रेन आज तक कहीं देख नहीं पाए, आज देख रहे हैं। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, जैसे मुंबई की लोकल में होती है सेम टू सेम वैसी भीड़ इसमें भी है, तो देखिए इसको। तो भैया अभी हम हावड़ा रेलवे स्टेशन पे उतर गए हैं, और ये है हावड़ा रेलवे स्टेशन का कुछ नज़ारा, फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरा तो माथे गुम हो गया, मतलब कुछ समझे में नहीं आ रहा है, आधा भीड़ उधर जा रहा है आधा इधर जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाना है नहीं जाना है, पर कैसे भी करके हावड़ा पहुँच गए हैं। अब यहाँ से थोड़ा बाहर निकलते हैं, थोड़ा खाना पीना खाते हैं, और फिर कहीं रेस्ट करने का व्यवस्था होगा तो सोएंगे। और ये अभी जो हमारी ट्रेन जो थी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई थी, और यहाँ पे टोटल 23 प्लेटफॉर्म है, तो 23 प्लेटफॉर्म में से जो है 1 से लेके 16 तक प्लेटफॉर्म को टर्मिनल 1 के अंदर बांटा गया है, और 17 से जो 23 प्लेटफॉर्म है उसको टर्मिनल 2, मतलब दो, मतलब एक तरह से दो बिल्डिंग है, एक इधर है एक उस तरफ, दो बिल्डिंग है, तो यही यहाँ व्यवस्था है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई नया बंदा यहाँ आएगा ना तो सही में वो पागल हो जाएगा, मतलब इतना भीड़ देख के कुछ समझ में नहीं आएगा जो क्या करना है नहीं करना है। तो फिलहाल तो हम आ गए, आज की जर्नी यहीं पे ख़त्म करते हैं, ये हावड़ा स्टेशन है, अभी जा रहे हैं बाहर कुछ खाने पीने के लिए। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, इन्जॉय किए होंगे वीडियो, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नेक्स्ट जर्नी में। फिलहाल अब बाहर जाता हूँ मैं, कुछ खा पी लेते हैं, 10 बज रहे हैं भाई, वैसे तो करेक्ट टाइम पे ट्रेन पहुँचा दी थी, और इतनी देर से मैं गया था वो रेस्ट हाउस, मतलब वेटिंग एरिया खोजने के लिए, तो मिल गया, और अभी जा रहा हूँ पहले खाना खाने, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे सोने के लिए। तो बंद करते हैं आज का वीडियो, बाय।